बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको अपने चैनल पर एक और नई वीडियो और नए नुस्खे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की वीडियो हम ऐसे भाइयों के लिए लेकर हाजिर हुए हैं जिनको बहुत ज्यादा एहतराम होता है और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, यानी उनको हर रात एहतराम हो जाता है। एहतराम वैसे तो एक सेहतमंद मर्द के लिए कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर कोई कुंवारा शख्स सेहत है और उसको कभी कभार एहतलाम हो जाता है तो ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपको मतवातर हर रात ये मसला होता है और आपने जवानी में बहुत ज्यादा मुश्तजनी की है तो फिर आपके लिए ये एक मसला की चीज है और आपको इसका इलाज भी करना चाहिए, क्योंकि मुश्तजनी की वजह से अजाए मास्का जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और उनमें मनी को रोकने की ताकत जो है वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको एहतलाम हो जाता है। तो नाजरीन, आपने सिर्फ दो चीजें लेनी है। एक छोटा सा टोटका है, इसके चंद दिन के इस्तेमाल से आपका ये मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। नाजरीन, आपने मगज तुख में रीठा लेना है और मिस्री सफेद या चीनी लेनी है। मगज तुख में रीठा जो है, ये रीठा के अंदर एक स्याह रंग का मगज होता है, ऊपर छिलका जो होता है ब्राउन, उसको उतारें तो उसमें से निकलता है। ये मगज आपने लेना है, ये आपने हसबे जरूरत लेना है, 5 तोला ये ले लें। और चीनी जो है ये भी हसबे जरूरत लेनी है। ये जो 5 तोला मगज तुख में रीठा होगा, इसको पीस कर इसका सफूफ बना लेना है। फिर इसमें चीनी और पानी मिलाकर आटा सा बना लेना है। चीनी बिल्कुल थोड़ी शामिल करनी है, वो ना हो के बहुत ज्यादा हो जाए। ये सिर्फ आपने इसको गोलियां बनाने के लिए डालनी है। नाजरीन, आपने इसे इसकी चने के बराबर गोलियां बना लेनी हैं और ये गोलियां जो हैं आपने साया में रखकर खुश कर लेनी हैं, तो आपका नुस्खा तैयार है। इस गोलियों में से 2 गोलियां सुबह और 2 गोलियां शाम को आपने दूध के साथ भी खा सकते हैं और पानी के साथ भी खा सकते हैं। दूध के साथ इस्तेमाल करें तो बेहतर है, लेकिन जो एहतलाम के मरीज होते हैं उनको बाज़ुकात दूध पीने की वजह से भी एहतलाम होता है, तो आप देख लें, अगर आपको दूध पीने से एहतलाम होता है तो दूध का इस्तेमाल ना करें, आप पानी से खा लें। तो नाजरीन, इस नुस्खा को आपने 21 दिन तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 21 दिन के इस्तेमाल से आपका जो एहतलाम का मसला है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है, उम्मीद है आपको इससे फायदा होगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।